ज्वाइनिंग आ गई सर, ये रहा, ज्वाइन कर लिया मैं सर ड्यूटी पे ही। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर आपका ये कब आया हुआ? ज्वाइनिंग लेटर आपका तो मेडिकल में क्या समस्या आई थी पहली बार में आपकी? ये सर इस तरह से मेल आ रहा है सर मेडिकल का, अच्छा ये पोस्ट आता है आपका? ये मेडिकल का और अगर हम तैयारी की बात करेंगे रवि की, आपने गणित की तैयारी कैसे करी, रीजनिंग कैसे करा, जीके जीएस कैसे करा, क्योंकि आपको शायद कोई 45 किलो की गोली उठा के चलनी पड़ती है, उसमें कैसा क्या होता है? नॉर्मल सिंपल गोली होती है सर, जो दे रखता है ना वही होता है, तो कोई वही प्रॉब्लम नहीं आती सर। कई बार क्या होता है ना बच्चे, इसमें 333 के बाद 3 राउंड होते हैं, इसमें बंदा भूल जाता है यार मेरे 3 राउंड हो गए क्या हो गए, तो चौथा भी कंप्लीट कर जाता है, तो वहाँ वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है रवि, एकदम न्यू जॉइनिंग जब बात होती है ना तो बहुत सारी चीजें उन्हें पता भी होती, नई नई चीजें क्या चल रही क्या नहीं चल रही। अभी आपको ड्रॉबैक क्या लगता है कि यार रेलवे ग्रुप डी में ये चीज थोड़ी सी कमी है? अभी सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस पर आपका, और किस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हुआ था रेलवे की, और कब की ज्वाइनिंग है आपकी? ये सर ग्रुप डी वाला एग्जाम है सर मेरा, ग्रुप डी 2019 2019 वाली। का। हाँ तो सर इसकी ज्वाइनिंग हो रही है मेरी, कितना हुआ समय? साल भर से ऊपर हो गया, 4 मार्च को हुआ था डीबी मेरा अच्छा, फर्स्ट चार अभी डीबी। ज्वाइनिंग आई है कि नहीं आई है? ये ज्वाइनिंग आ गई सर, ये रहा, ज्वाइन कर लिया मैं सर ड्यूटी पे ही। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर आपका ये कब आया हुआ? ज्वाइनिंग लेटर आपका ये सर मेरे पास पहुंचा था 13 तारीख को, 22 को ज्वाइन किया मेरा इसी 22 पिछले महीने में ये। हाँ पिछले महीने 22 को मैंने ज्वाइन किया। अच्छा, आपकी डीवी हो चुकी थी मार्च 2024 में, 23 23 में, में और 1 साल से ज्यादा हो सर। गया, और जुलाई में आपके पास 22 तारीख से, लगभग 1.5 साल हो गया एक हिसाब से। तो जोन कौन सा था? दिल्ली जोन था सर मेरा, दिल्ली जोन था। क्या समस्या बताई जा रही थी इतना ज्यादा जो समय लग गया? लेकिन वो मेरा मेडिकल इन्होंने डाउन दे दिया C1 में। अच्छा, उसके तो बाद फिर रीमेडिकल अपील किया हाँ, री मेडिकल के लिए आपके, अक्टूबर उसके में। बाद ही फाइनल हुआ। ठीक है, हाँ सर, मतलब तो जो मई बच्चों में को एक डर होता है कि सर मेडिकल अगर मान लीजिए नहीं हो पाता, या उस समय कुछ समस्या आती है और री मेडिकल अप्लाई करते हैं हम, तो अगर री मेडिकल अपील करेंगे तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो सारे प्रोसेस हो जाते हैं, बस समय लगता है। सर तो मेडिकल में क्या समस्या आई थी पहली बार में आपकी? सब कुछ ठीक था। मैं बाहर भी कई बार मैंने मेडिकल जाने से पहले डॉक्टरों को चेक किया था, मैं करवाया था अपने आप को, तो सब हाँ कुछ ठीक था, मेरा आईसाइड वगैरह सब C1 के हिसाब से कंप्लीट था, पर हाँ वहां C1 लिया मुझे लखनऊ अच्छा जोन में हुआ था मेरा, लखनऊ 4 बार। अच्छा तो आपने मैं अपील आपसे कर, मिलने तो भी जाऊंगा। दोबारा से रीचेक हुआ ये? हाँ सर, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं कि अगर किसी का मेडिकल में ऐसी समस्या आ जाती है, क्योंकि हो जाती होगी इजीली, बहुत ऐसा भी नहीं कि नहीं हो पाए, तो अगर हो, अगर मानिए किसी का समस्या आ गया, उन्होंने गलत बता दिया, तो आप अपील कैसे करेंगे दोबारा से इसको? सर हमारे स्टेटस जो होता है ना सर, उस हाँ पे आया था कि आपको मेडिकल 20 दिन के लिए, 20 दिन के अंदर आपको मेडिकल देना है, जब आपको डेट मिल जाती है सर, उसमें सर डीबी होती है डबल ड्राफ्ट, ये डबल ड्राफ्ट वगैरह और कुछ कैंसिल चेक लगता है आपका, ये आपको वही RRC में जमा कराना पड़ता है, या बाई पोस्ट करा दो या डायरेक्ट जाकर दे दो, उसके बाद वो आपको मेल भेजते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ है ऐसा मेल आता है सर मेडिकल के लिए। अच्छा, ये सर इस तरह से मेल आ रहा है सर मेडिकल का, पोस्ट ये पोस्ट आता है आपका? आता है सर ये फ्री मेडिकल का, हाँ, उसमें आपको अच्छा इस तरह से आता है सर। ठीक है। इसके बाद इसमें कोई एक डेट मिल जाएगी, तो उसके बाद फिर, अच्छा इस पे लिखा हुआ है यू आर एडवाइस री मेडिकल के लिए आपको बुलाया गया है, और एक डेट आपको दी गई थी हाँ सर, उसमें फिर आपके पास बुलाया जाता है। ठीक है, हाँ इसके बाद फिर आपका सही हो ये गया, और जो कैटेगरी थी उसी के हिसाब से फिर आपका फाइनल हो गया उसमें। हाँ सर। तो तो आपके साथ में 13 मई ऐसे और को, भी थे उस जोन के बच्चे या उस ग्रुप में? हाँ सर लगभग 17-18 बच्चे थे सर। चलिए ठीक है, तो अब आपकी ज्वाइनिंग कब से होनी है, ड्यूटी पर आप कब जा रहे हैं?
यूपी की चालू कर रही है सर 22 से, 22 से ज्वाइन कर लिया सर मैंने ये सर, ये 22 तारीख से, 22 तारीख से ही आपने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है ठीक है, ज्वाइन कर लिया सर। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले तो रवि चार चीजें जानना चाहेंगे कि आपके जो ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गए, आप फाइनल आप ज्वाइन कर चुके हैं, तो आगे भी कुछ और प्लान सोचा है यार? कोई और एग्जाम आ जाएगा तो देंगे, एलपी आ जाएगा, एनटीपीसी आ जाएगा? सर देंगे इसमें थोड़ी ना रहना सर। तो क्या सोचा आप? मैं तो सर तैयार सोचा नहीं है सर, कर रहे हैं, सोचने का टाइम ही कहां है आपके साथ लगे हुए सर। तो एनटीपीसी वगैरह भी तो देना है, निकालना है। पिछले बार क्या समस्या आ गई एनटीपीसी में? सर वो मेंस नहीं हुआ था मुझसे, रह गया था मेरा। अच्छा, और एमडी क्लासेस से क्या था आपकी, कब हुई? ये सर आप जब आप वो वीडियो वगैरह निकालते थे सर पेपरों की, जब पेपर की एनालिसिस हो रहा था, जब स्पॉट वीडियो पर पढ़ते थे कि क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया, तो फायदा मिला था आपको वहां से? सर फायदा मिला जब ही, तो याद है बैठा। चलिए, और एनटीपीसी की तैयारी के लिए आपने क्या सोचा, क्योंकि वैकेंसी लगभग आने ही वाली है, कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन? सर तैयारी शुरू कर दी है सर मैंने, तैयारी शुरू कर दी है। कोर्स तो सर मैथ वगैरह तो आपसे कर रखी है पहले भी, दोबारा आप निकालोगे तो दोबारा ज्वाइन करके फिर दोबारा। हां अभी कोर्स एनटीपीसी का अगस्त में ही लाने का प्लान सोच रहे हैं, क्योंकि अभी डिमांड तो ज्यादा है, लेकिन थोड़ी टीचर्स भी फ्री हो जाए अपने, वो एलपी पे लगे हैं, टेक्नीशियन पे लगे हैं, आरपीएफ पे लगे हैं, तो वो थोड़ा उधर तक फ्री हो जाएंगे, तो एनटीपीसी क्योंकि एक बड़ा बैच होगा, 15,000-20,000 ज्यादा बच्चे बैच में आने वाले, इसलिए थोड़ा सा प्लान हम लोग करके चलेंगे इसके लिए। और बाकी ग्रुप डी के लिए जो ज्यादातर बच्चा जानना चाहता है कि फिजिकल में क्या समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि आपको शायद कोई 45 किलो की बोरी उठा के चलनी पड़ती है, उसमें कैसा क्या होता है? नॉर्मल सिंपल बोरी होती है सर, जो दे रखता है ना वही होता है, कोई बोरिंग प्रॉब्लम नहीं आती सर। कई बार क्या होता है ना बच्चे, इसमें 333 के बाद 3 राउंड होते हैं, इसमें बंदा अपन भूल जाता है यार मेरे 3 राउंड हो गए, क्या हो गए, तो चौथा भी कंप्लीट कर जाता है, तो वहां वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अच्छा, मतलब लेकिन ऐसा बहुत बड़ा नहीं, एक आध दो बार आदमी प्रैक्टिस कर लेगा तो कर सकता है। कर सकता है सर, मेरा 106 वजन था, फिर मैंने उसको घटाया था 22 केजी, फिर उसके बाद में दौड़ा था। 106 किलो आपका खुद का वेट है, तो बहुत ज्यादा है ना? मैंने घटाया था सर, नंबर ठीक ठाक से 65 नंबर थे, कट ऑफ हमारी गई थी 60 कुछ ऐसे गई थी फर्स्ट डिवीजन के लिए, तो फिर मैंने घटाया उसको। तो रनिंग वगैरह कर पाए आप? सब कुछ बढ़िया रहा, रनिंग वगैरह में कोई समस्या? आपने एक आध दो महीने पहले से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा? हाँ सर, डेढ़ महीने पहले। चलिए ठीक है, और अगर हम तैयारी की बात करेंगे रवि की, आपने गणित की तैयारी कैसे करी, रीजनिंग कैसे करा, जीके जीएस कैसे करा, तो शुरुआत से एक बार करते, क्योंकि बच्चा जानना चाहता है। सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं तो जो से आप कराते गए ना कोई मैं फॉलो करता गया, उसको रिवीजन बत, और कुछ मैंने अपना दिमाग लगाया नहीं। अच्छा, जितने आप जैसे बताए सब एनालिसिस करते चले गए, जो नए बताते जा रहे थे वो सब आप देखते चले गए। अब 2024 में भी इसी तरीके से तहलका मचाना, और एनटीपीसी में अब आपको मुझे देखना है, एनटीपीसी की इंटरव्यू हम चाहते हैं भाई आपके साथ एक बार हो जाए। बिल्कुल सर, आप लग रहा है मतलब आपके साथ हूं तो हो जाएगा। और ग्रुप डी क्योंकि इस पे लंबे समय तक रह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए खास करके। मुझे एसएनसी डिपार्टमेंट में लाया सर, इसमें थोड़ा सा वर्क लोड तो है, मतलब जैसे अब मुझे आनंदपुर साहिब स्टेशन मिला है अंबाला डिवीजन के अंदर। हां तो यार इसमें जैसे लोकेशन बॉक्स वगैरह हो गए, और जैसे फाटक वगैरह नहीं होते तो मेंटेनेंस वगैरह ये चीज हमारे अंडर में आती है, सिग्नल वगैरह कोई फेलियर हो रहा है, कोई फेलियर अगर रात में भी हो रहा है तो जाना पड़ेगा, ये सब चीज आती है सर इसमें पूरा सिग्नल। तो आप तो यानी देखा जाए समय बहुत लेट में ज्वाइन करे होंगे सर। मैं एक ही बंदा हूँ जो ज्वाइन करा बाद में। चलिए, स्टेशन मास्टर और बाकी लोगों से मुलाकात हुई आपकी वहां पर? चलिए, तो आप अभी क्वार्टर मिला है रेलवे की तरफ से कि क्या है, अभी कहाँ पर है? क्वार्टर अवेलेबल नहीं, अभी आपने रेंट पे लेकर चला हुआ। अच्छा बच्चे ये जानना चाहते हैं, जैसे आपकी ग्रुप डी की पढ़ाई के लिए आपने बस एनालिसिस देखा, उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करते चले गए, वो हो गया। बच्चा ये जानना चाहता है कि वो
अच्छा आप 2021 में जब आपने एनटीपीसी का बैच दिया था बच्चों के लिए, तब से आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते लगाते बढ़िया कर गए। अच्छा बच्चा ये जानना चाहता है ग्रुप डी में आपकी अभी सैलरी कितनी मिल रही है, वो सबसे ज्यादा बच्चा जानना चाहता है क्योंकि अभी आपकी एकदम नई ज्वाइनिंग है। कोई सैलरी आई भी या नहीं आई अभी? आपको इंतजार है कि सैलरी जल्दी से आ जाए। बहुत अच्छा लग रहा रवि, एकदम न्यू ज्वाइनिंग जब बात होती है ना तो बहुत सारी चीजें उन्हें पता भी होती, नई नई चीजें क्या चल रही क्या नहीं चल रही। अभी आपको ड्रॉबैक क्या लगता है कि यार रेलवे ग्रुप डी में ये चीज थोड़ी सी कमी है? एक तो देखिए लेवल वन की जॉब है तो थोड़ा सा आपको पता है कि काम वैसा रहेगा और थोड़े से बहुत सारे लोग आपसे ऊपर है, सबसे मतलब एक हिसाब से रेलवे में नीचे के पोस्ट आ रही है तो वो तो एक अलग चीज हो गया। उस पर वो नहीं कह सकता कि सर ये काम है वो काम, वो करना ही पड़ेगा क्योंकि लेवल वन की जॉब है। इसके अलावा भी और क्या काम है, मतलब और क्या कमी है रेलवे में जो आपको लगता है कि सर ये कमी है? कभी क्या सर उसमें घुसते हैं, धीरे धीरे पता पड़ रहा है सर, काफी हार्ड जॉब है सर थोड़ी। हार्ड जॉब तो जब इसीलिए होते हैं जब ट्रेनिंग चलती है रेलवे ग्रुप डी के तो बहुत सारे साथी इसी ट्रेनिंग को ही छोड़ के चले जाते हैं, नहीं कर पाते, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता कि यार ये नहीं कर पाएंगे वो नहीं कर पाएंगे। चलिए तो रवि इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगले साल तक के आपके साथ एनटीपीसी का इंटरव्यू हमें चाहिए, है ना? पूरी जान लगा दीजिए, पूरा मेहनत करते हो और स्टेशन मास्टर जो भी पोस्ट मिल जाए एनटीपीसी में लेवल 3 लेवल 4 से ऊपर की उसमें जरूर आपकी जानी चाहिए। बाकी चलिए मिलते हैं जल्दी एनटीपीसी के बैच में। ओके।